लखीसराय में डोनसा गांव में जो दो पोलिंग स्टेशंस थे 339 और 340, इसमें धांधली का आरोप सुना था। उसमें हम लोग जांच भी कराया है, उसमें FIR भी हुआ है और इस समय उसी पोलिंग स्टेशन का बाहर में टाइम्स नाउ के पत्रकार का साथ मारपीट भी हुई है, तो इसी संबंध में FIR भी हुआ। 10 लोगों के ऊपर FIR हुआ है जो अभी भागा हुआ है उस गांव का, नंबर 1। नंबर 2 है कि उस दोनों बूथ का दोनों पोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग पार्टी, पोलिंग ऑफिसर्स, पुलिस पर्सनल, सेक्टर ऑफिसर के साथ जो पुलिस ऑफिसर थे वो और सिपाही, कुल मिलके 20 आदमी और माइक्रो ऑब्जर्वर 20 आदमी का निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई। उसमें तो 3-4 को छोड़ के बाकी सब लोग निलंबन हो चुके हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है निलंबन के बाद, साथ साथ उन लोगों के विरुद्ध क्रिमिनल केस भी चलेगा। सर, तो क्या वहाँ के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है? देखिए, व्यर्थ का इसमें कोई बीच में नहीं है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लोकतंत्र का इस महापर्व में छेड़छाड़ करने का कोशिश किया, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। ये जांच का विषय है, जांच में आएगा। जो गलत पाया जाता है उन लोगों के विरुद्ध, सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। नहीं सर, इस सवाल बनता है कि वो वहाँ के एक खास प्रत्याशी के समर्थक थे, उनके समर्थन में इस तरह से वो घटनाक्रम को कर रहे थे, तो क्या उस प्रत्याशी के खिलाफ भी FIR लॉन्च किया गया है? अगर जांच होगी तो क्या, अगर FIR नहीं लॉन्च किया गया तो आगे FIR लॉन्च की जाएगी? नहीं, देखिए, ये सब जाँच के क्रम में जो पाया जाता है उसके आधार पर होता है। अभी तक तो ऐसे कोई हम लोगों का सबूत नहीं है कि प्रत्याशी ही इसमें इन्वॉल्व है, तो वो जांच का विषय है। जो लोग इसमें बूथ के अंदर में घुस करके बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश किए थे उन लोगों के विरुद्ध नेम्ड FIR हुआ है 10 व्यक्तियों को। तो चलिए, ये 20 मतदान कर्मी, पुलिस और मतदान कर्मी।